माइनस पेटर्नल प्रॉपर्टी, अगर वो लालू जी के पुत्र नहीं होते तो चुनौती देते हैं बीजेपी को, एमपी में अपने नहीं आया एको गो सीट, जेल जाना है, बहुत जल्द जेल जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके स्टार शिवम। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ कई मुद्दे को लेकर 7 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ महागठबंधन के सभी नेता सड़कों पे उतरेंगे और केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने यह तक कह दिया कि बीजेपी में औकात नहीं है कि वो अकेले बिहार में चुनाव लड़ ले, जिसके बाद जो बिहार की सियासत है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। इसी को लेकर जब आज हमने बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल से बात की तो उन्होंने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है और क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुने। देखिए, पहले भी कहते अब भी कहते, तेजस्वी जी को माइनस पेटर्नल प्रॉपर्टी, अगर वो लालू जी के पुत्र नहीं होते तो बिहार में उनको चपरासी भी नहीं कोई रखता। तेजस्वी जी अब चुनौती देते हैं बीजेपी को, एमपी में अपने नहीं आया एको गो सीट, तो तेजस्वी जी क्या बोलेंगे, ये लोग एक्सरसाइज कर ले, जेल जाना है, बहुत जल्द जेल जाएंगे। क्या अकेले या दुकेले क्या होता है, वो भी तो लड़े थे, वो भी अकेले लड़े ना, पहले वो अपने अकेले लड़े, आया एको सीट नहीं, पहले तो हम कहते जो कम से कम मैट्रिक पास कर लें, पहले मैट्रिक पास। तो आपने साफ तौर पे सुना भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का कहना है कि तेजस्वी यादव अगर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे ना होते तो उन्हें बिहार में कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं देता। तो कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि जब 7 मार्च पैच है, जब 7 अगस्त को तेजस्वी यादव सड़कों पे उतरेंगे तो उस दिन बिहार की जनता उनकी साथ नहीं आएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है और कह दिया है कि अगर वो लालू यादव के पुत्र ना होते तो उन्हें बिहार में कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं देता, तो इस बयान पर राजद की तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। बहरहाल, अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।